हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रिंस शर्मा एंड यू आर वाचिंग द वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है। अगर आपका नाम पी लेटर से यानी प अक्षर से स्टार्ट होता है तो ये वीडियो खासकर पी लेटर वाले पीपल के बारे में है, लोगों के बारे में। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए अंत तक देखें। एंड अगर आपका नाम पी लेटर से स्टार्ट नहीं होता है तब भी ये आपके चाहने वाले, आपके जानने वाले जिनका नाम पी लेटर से स्टार्ट होता है उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज़, ये मेरा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए अंत तक देखें। आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको मज़ा आएगा इस वीडियो से। एंड साथ ही साथ आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की बेल आइकन को हिट करना ना भूलें हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पी लेटर वाले जो लोग होते हैं बहुत ही कूल माइंडेड होते हैं, डिसेंट नेचर के होते हैं, बहुत ही रिस्पेक्टफुल होते हैं, बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं किसी को। फ्रेंड्स, अगर पी नाम के लोगों में अगर किसी के साथ प्यार में पड़ जाते हैं, किसी के साथ मोहब्बत हो जाती है उनकी, तो वो पूरी तरह से उनमें डूब जाते हैं, अपने पार्टनर में पूरी तरह से खो जाते हैं। माने वो हमेशा इंतज़ार करते हैं कि व्हाट्सएप कब आएगा, व्हाट्सएप मैसेज कब आएगा, कॉल कब आएगा, ये सब अपने पार्टनर के बारे में इमेजिनेशन करते रहते हैं, दिन भर सोचते रहते हैं। तो इस बात से यह पता चलता है कि पी नाम के लोगों में प्यार की जो चाहत होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू अदर नेम ऑफ रिलेटेड। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आपको बताते चले कि अगर पी नाम के लोगों में आलसी अगर घर कर जाए, मतलब कि अगर पी नाम के लोगों में आलसी आ जाए तो वह सारा दिन बिस्तर पर ही लेटे लेटे बिता देते हैं, वो कोई काम नहीं करते हैं जब तक उनका मन ना करे। लेकिन इनकी एक खासियत यह भी होती है कि अगर ये अपने बल पे आ गए, अपने जोश पे आ गए, अपने शिद्दत पे आ गए, तो वो पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से अपने मुकाम को हासिल करते हैं। तो आलसी के साथ साथ पी नाम के लोगों में यह भी खासियत है कि वो मेहनती भी उतनी होते हैं जितने कि वो आलसी होते हैं। दोस्तों, पी नाम के लोगों में रिश्तों को समझने की बहुत ही अच्छी खासियत होती है। वो दोस्ती को या हर रिश्ते को अच्छे से निभाते हैं, अच्छे से समझते हैं, दूसरे का दुख समझते हैं, दूसरे की फीलिंग को समझते हैं। फ्रेंड्स, पी नाम के लोगों में गुस्सा बहुत ही कम देखने को मिला है, लेकिन जब जब गुस्सा देखने को मिला है वह मानो कि पहाड़ तोड़ने तक का गुस्सा ताकतवर रखते हैं। अगर उनको गुस्सा आ गया तो समझ लीजिए कि माउंट एवरेस्ट भी उनके सामने कुछ नहीं है। लेकिन अगर वो इमोशनल है तो समझ लीजिए कि अगर आप छोटा सा भी बात कह देते हैं तो उनकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, तो इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि पी नाम के लोगों में रिश्ते निभाने की जो खासियत होती है बहुत ही अटूट होती है, बहुत अच्छी तरीके से किसी भी रिश्ते को निभाते हैं। लेकिन अगर वो प्यार में पड़ जाते हैं तो बस अपनी प्रेमिका एंड प्रेमी के बारे में ही सोचते रहते हैं, सारा दिन उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। पी नाम के लोगों में जो इंटेलिजेंस होती है, जो IQ लेवल होती है, वो बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत ही अच्छा होती है। वो उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर होता है वो बहुत ही तगड़ा होता है, बहुत ही कमाल का होता है। वो किसी चीज़ को भी ऑब्जर्व करके उसके बारे में एक अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, एक अच्छी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। फ्रेंड्स, पी नाम के लोगों में जो 5 सेंसेस होती हैं जो कि हर व्यक्ति में होती हैं, लेकिन पी नाम के लोगों में ये कुछ ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं, जैसे कि सुनने की सेंस, टच करने की, टेस्ट की, सुनने की एंड फिर देखने की। ये सब सेंस बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही लंबे समय तक कारगर बने रहते हैं।
फ्रेंड्स, जो मैंने आपको पहले बताया कि पी नाम के लोगों में सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा होता है, वह किसी चीज का प्रेडिक्शन एग्जैक्ट सेम ही कर देते हैं, आगे क्या होने वाला होता है वह कहीं ना कहीं उनको भनक लग जाती है, पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला होता है। सो फ्रेंड्स, पी नाम के लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही क्वालिटी पर्सन होते हैं। फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पी नाम के लोग बहुत ही इमोशनल होते हैं, अगर वह किसी को बारिश में भीगते हुए देखते हैं तो उनके तरफ छाता भी बढ़ा देते हैं, जबकि खुद भीगते हैं लेकिन दूसरे को भीगने से बचा देते हैं। ये खासियत होती है पी नाम के लोगों में, बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं, बहुत ही डिसेंट होते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पी नाम के लोगों में फीलिंग बहुत ही अच्छी होती है, और किसी चीज़ को फील कर पाते हैं, वह भी कम्प्लीटली यू नो थ्रू आउट द हार्ट, वह फील करते हैं, वह समझते हैं, वह यू नो किसी का दुख दर्द, किसी की खुशी में शामिल होते हैं। उनमें जेलस नाम की चीज़ नहीं होती, वो किसी की खुशी देखकर वो और ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। फ्रेंड्स, लेकिन एक बात ये मानना पड़ेगा कि पी नाम के लोगों में फ्रीडम की यू नो जो चाहत होती है, जो डिजायर होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। वो फ्रीडम, वो आज़ादी से रहना चाहते हैं, वो किसी के बंदिशों में बंद कर नहीं रहना चाहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी को अपने तौर तरीके से जीना चाहते हैं। पी नाम के लोग एक अच्छे पर्सन के साथ साथ एक फ्रेंडली पर्सन भी होते हैं, एक ऑनेस्ट पर्सन के साथ साथ वह अपने दोस्तों के साथ, दोस्त यारों के साथ घुल मिल कर रहते हैं, उनसे यू नो कोई भी ऐसी बात नहीं कहते हैं जिससे उनको दुख पहुँचे। वो दूसरे का दुख समझते हैं एंड वो खुशियों में अपनी खुशी, दूसरे की खुशियों में अपनी खुशी ढूंढते हैं, एंड वो बहुत ही हमेशा हैप्पीनेस को वो ढूंढते रहते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में, छोटी छोटी बातों में वो हैप्पी होती हैं, छोटी छोटी मोमेंट को याद करके वो खुश होते हैं। सो पी नाम की लोगों में, पी नाम के व्यक्ति में ये खासियत, हैप्पीनेस का भी खासियत होता है, वो हमेशा हैप्पी रहते हैं। पी नाम के लोग बहुत ही हैप्पी होते हैं, अपने ढंग से जिंदगी को जीना चाहते हैं, अपने तौर तरीके, अपने यू नो टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हैं, अपने रूल्स वो बनाते हैं खुद एंड उन रूल्स को खुद ही फॉलो करते हैं। वो उनको आज़ादी बहुत ही पसंद होती है, उनको बंदिशों में बंद कर रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपका नाम पी लेटर से स्टार्ट होता है और इनमें से अगर कोई भी खासियत, कोई भी दोस्तों, इनमें से अगर आपकी कोई भी हैबिट इस वीडियो से मैच करती है तो बिल्कुल भी आप देर ना करें, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपकी कौन सी हैबिट, कौन सी खासियत है जो इस वीडियो से मैच करती है अगर आपका नाम पी लेटर से स्टार्ट होता है तो। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, वीडियो तो अच्छा लगा ही होगा तो वीडियो को बिल्कुल भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जितने भी सोशल मीडिया यूज करते हैं एंड फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मैं प्रिंस शर्मा फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।